स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द वॉयस ऑफ द रेन, जो कि हॉर्नबिल का थर्ड पोएम है। इस कविता में कवि ने वर्षा के बारे में बताया है, कवि वर्षा से बातें करते हैं। देखिए, लिखा है द वॉयस ऑफ द रेन, तो यहाँ पर वैसे तो साउंड होना चाहिए था, लेकिन वॉयस लिखे हैं, तो वॉयस तो मतलब व्यक्ति की होती है, तो यहाँ पर वाल्ट विटमैन जो कि पोएट है, उन्होंने यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है यहाँ पर, कि वे वर्षा से क्या करते हैं, टॉक करते हैं, बातें करते हैं और बताते हैं, मतलब पूछते हैं कि तुम कौन हो, और वर्षा उन्हें आंसर देती है। ठीक है, कि जो सारी क्रियाएं इस पृथ्वी पर संचालित होती हैं वो हमारे द्वारा ही होती हैं, और मेरे बिना ये जो पृथ्वी है ये केवल, मतलब मेरे बिना जो पृथ्वी है ये कुछ नहीं है, मतलब जो सब सारी चीज़ें जो चलती हैं वो मैं ही संचालन करती हूँ, उनका हमारे द्वारा ही चलती है। चलिए हम लोग इसको पोएट्री पे आते हैं, लाइन टू लाइन इसका देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हु आर दाउ, ध्यान दीजिएगा, करे हु एंड मिस आर, हु मिस कौन, देखिए आर्ट लिखा, ये इसको क्या पढ़ेंगे आर, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था, यहाँ पे आर पढ़ेंगे, तो एंड मिस और हु आर दाउ, और तुम कौन हो, हु मिस कौन, आर मिस हो, दाउ मिस तुम। देखिए आप लोग पढ़े हैं दी दाउ दाई, दी मिस तुम होता है, दो मिस तुम होता है, अदाई मिस तुम्हारा होता है, जैसे यू यवर है ना, यू यू यवर, जैसे यू और उसके बाद यवर चलता है, वैसे वहाँ दी चलता है। तो करे कि एंड हु आर दाउ, तुम कौन हो, सैड आई मैंने कहा, कभी कह रहे हैं कि मैंने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर दाउ यानी तुम कौन हो, सैड आई मैंने कहा, टू दी किससे कहा, टू दी सॉफ्ट फॉलिंग, सॉफ्ट मीन्स धीरे धीरे, फॉलिंग मीन्स गिरती हुई, सॉर मतलब बौछार से, तो मैंने धीरे धीरे गिरती हुई बौछार से कहा कि तुम कौन हो। आगे बता रहे हैं विच मतलब जो, स्ट्रेंज जो विचित्र है, टू टेल मी जो उसने मुझे बताया, यानी टेल मी गेव मी एन आंसर, यानी अब यहाँ करें कि वर्षा ने जो मुझे उत्तर दिया, करें गेव मी एन आंसर, वर्षा ने जो मुझे उत्तर दिया, टू टेल बताना क्या है, विच स्ट्रेंज जो कि बताना क्या है, स्ट्रेंज विचित्र है, अजीब है, यानी विच स्ट्रेंज टू टेल जो बताना क्या है, स्ट्रेंज है, गेव मी एन आंसर, वर्षा ने जो मुझे उत्तर दिया वो बताना क्या है, स्ट्रेंज है। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ पर अनुवाद किया जा रहा है, यानी एज हेयर ट्रांसलेटेड जैसा कि यहाँ अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, तो चलिए देखते हैं क्या अनुवाद किया गया है। जब कभी ने कहा कि वर्षा से तुम कौन हो, तो वर्षा क्या आती है, आंसर देती है, क्या कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, वर्षा कहती है कि मैं हूँ द पोएम ऑफ अर्थ, पृथ्वी की कविता, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सैड द वॉयस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज ने कहा, सैड द वॉयस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज ने कहा, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की गीत हूँ, संगीत हूँ। आगे और क्या बता रही है वर्षा अपने बारे में, इटर्नल अनवरत रूप से, लगातार इटर्नल अनवरत रूप से, आई राइज मैं उठती रहती हूँ, इनपाल्पेबल आदृश रूप से, यानी मैं निरंतर आदृश रूप से उड़ती रहती हूँ, कहाँ से, आउट ऑफ द लैंड मतलब जमीन से, पृथ्वी से, एंड बॉटमलेस, देखिए बॉटमलेस अथाह होता है, बॉटमलेस में अथाह होता है, असी मतलब समुद्र, तो करिए कि इटर्नल अनवरत रूप से, लगातार आई राइज मैं उड़ती हूँ, इनपाल्पेबल आदृश रूप से, आउट ऑफ द लैंड पृथ्वी से, एंड दी बॉटमलेस सी और अथाह सागर से, यानी मैं अथाह सागर से लगातार उड़ती रहती हूँ, कहाँ उड़ती हूँ, अपवर्ड टू हेवन स्वर्ग की ओर, यानी आकाश की ओर। अब देखिए आप यहाँ जो कहने का मतलब ये समझिए कि जो वर्षा, यानी वर्षा होती है तो जो पृथ्वी पर नमी होता है, ठीक है, तो क्या होता है, भाप के रूप में, वेपर के रूप में वो आकाश में जाता है, तो वही कह रही है कि मैं भाप बनकर आदृश रूप से ऊपर जाती हूँ, जमीन से भी भाप बनकर जाता है और बॉटमलेस से, समुद्र से भी, तो भाप बनकर मैं ऊपर उठती रहती हूँ, कहाँ, अपवर्ड टू द हेवन स्वर्ग की ओर, वेयर जहाँ मतलब वेयर जहाँ
वैगली अस्पष्ट रूप से, कोई अस्पष्ट रूप नहीं होता है। तो अगर ये अपवर्ड टू हैवन स्वर्ग की ओर, वर जहाँ अवैगली अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से अनक्लियर फॉर्म्ड में आकार ग्रहण करती हूँ। करें कि अपवर्ड में भाव बनकर ऊपर जाती हूँ, टू द हेवन ऊपर की ओर, एंड वर जहाँ वैगली फॉर्म्ड अस्पष्ट रूप से फॉर्म आकार ग्रहण करती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज्ड और पूरी तरह बदल जाती हूँ, यानी वहाँ जाकर मैं वैगली फॉर्म अस्पष्ट रूप से रूप आकार ग्रहण करती हूँ, एंड ऑल टुगेदर चेंज्ड और पूरी तरह बदल जाती हूँ, येट द सेम लेकिन फिर भी वही रहती हूँ। कहने का मतलब भले वो भाव बनकर आकाश में ऊपर चले जाती है लेकिन तो पानी ही रहती है। वही कहने की ऑल टुगेदर चेंज्ड, मैं पूरी तरह बदल जाती हूँ, नेट द सेम फिर भी वही रहती हूँ। आगे कह रहा है कि जब ये सब हो जाते, क्रियाएं हो जाती है, तो आई डिसेंड, मैं उतरती हूँ टू लॉ, धोने के लिए। लॉ मीन्स धोना होता है। अगर आई डिसेंड, मैं उतरती हूँ टू लॉ, धोने के लिए, द ड्रॉप सूखे को, एटॉमिज छोटे छोटे कणों को, द डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब आप पृथ्वी पर जमी धूल की परतों को। देखो मतलब जब सूखा पड़ता है जमीन पर, पृथ्वी यानी पृथ्वी पर धूल की परतें जम जाती हैं, जो कण होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, तब गहरी वर्षा में उतरती हूँ। आई डिसेंड, मैं उतरती हूँ टू लॉ, धोने के लिए, द ड्रॉप सूखे को, एटॉमिज कणों को, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब इस पृथ्वी होता है, और धूल पृथ्वी पर जमी हुई धूल की परतों को धोने के लिए पुनः उतरती हूँ। एंड फिर बता रहे कि ऑल एंड ऑल दैट इन देम, एंड मिस और ऑल मिस जो कुछ, ऑल मिस जो सब, दैट मिस जो, यानी जो कुछ इन देम इसके अंदर है, इन इसमें, देम मिस इनके अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर, करें ऑल दैट इन देम जो भी इसके अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर जो कुछ है, विदाउट मी मेरे बिना, वेयर सीड ओनली केवल बीज मात्र। कहने का मतलब अगर हम कहीं बीज डाल देते हैं तो अगर नमी वेट नहीं होता है तो उसमें अंकुरण नहीं होता है, तो वर्षा करे कि अगर मैं नहीं आऊंगी तो क्या होगा, वो जो बीज पड़े हुए हो पड़े ही रह जाएंगे, छिपे ही रह जाएंगे, उसमें अंकुरण नहीं होगा। तो वही करे कि एंड ऑल दैट इन देम जो भी जो कुछ इसमें है, विदाउट मी मेरे बिना, बेयर सीड ओनली केवल बीज मात्र है, लेटेंट छिपा हुआ, अनबॉर्न अजन्मा, यानी केवल ऐसे छिपा ही रहेगा, अजन्मा यानी इसमें अंकुरण नहीं होगा जब तक मैं नहीं आती हूँ। आगे देखिएगा अगला लाइन में करें एंड मिस और बाय डे एंड नाइट और एंड फॉर एवर और हमेशा से, बाय डे एंड नाइट रात और दिन, हमेशा से रात और दिन, आई गिव बैक लाइफ मैं जीवन देती हूँ टू माई वर्जिन ओन वर्जिन अपनी खुद की उत्पत्ति को। ओन मीन्स खुद की, वर्जिन मतलब उत्पत्ति। अब बताइए जो वर्षा है उसको उत्पत्ति कहाँ से होती है, पृथ्वी से होती है, वही जो नमी होती है, वाटर होता है, उसका भाव बनकर ऊपर जाती है, बादल का निर्माण होता है, फिर वर्षा होती है। तो कह रहे कि मैं बरस करके अपनी ही वर्जिन को क्या करती हूँ, पुनः जीवन देती हूँ, मतलब अपने पृथ्वी जहाँ से हमारी उत्पत्ति उसी को मैं जीवन प्रदान करती हूँ। विदाउट वर्षा यानी विदाउट रेन, ठीक है, बिना वर्षा के कोई भी चीज़ें मतलब फल फूल नहीं सकती, फ्लोरिश नहीं हो सकती, ठीक है, मैंने बिना वर्षा के इस सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता, वही बता रही है। एंड फॉर एवर और हमेशा से, हमेशा, बाय डे एंड नाइट रात तो दिन, आई गिव बैक लाइफ मैं जीवन देती हूँ टू माई वर्जिन ओन वर्जिन अपनी खुद की उत्पत्ति को, एंड मेक प्योर और शुद्ध बनाती हूँ, एंड ब्यूटिफाई सुंदर बनाती हूँ इट, इसको किसको, पृथ्वी को, जहाँ से उत्पत्ति हुई है उसे करिए, एंड मेक प्योर इसे शुद्ध बनाती हूँ, एंड ब्यूटिफाई और सुंदर बनाती हूँ। अब देखिए कोष्ट में कवि कह रहे हैं, कवि वर्षा की तुलना संगीत से करें, द पोएट, ठीक है, कंपेयर्स रिवर रैन टू द म्यूजिक, करें फॉर सॉन्ग एसुइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। कवि कहता है फॉर, क्योंकि सॉन्ग जो गाना होता है स्विंग निकलते हुए फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस अपने जन्म स्थान से निकलता है, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग अपना पूरा भ्रमण करने के पश्चात, यानी अगर कोई गायक हो गाना शुरू करता है तो उससे जो धुन आवाज निकलता है वो सबके पास पहुंचता है और उससे सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं उस पर, चाहे जो ध्यान मतलब चाहे कोई ध्यान दे चाहे ना दे तो उससे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। एट लास्ट अपने उचित समय पर पूरे प्रेम के साथ वो संगीत उसी कलाकार के पास पहुंच जाता है, वैसे जो वर्षा होती है, ठीक है, वो अपने का मतलब बादल बनता है, वर्षा होता है, फिर क्या करती है जमीन पे आती है, और फिर जमीन से
भाव बनकर पुनः पूरे प्रेम के साथ लौट जाती है। तो वही जैसे गाना है वैसे वर्षा है। तो करिए फॉर क्योंकि सॉन्ग इशूइंग जो गाना होता है निकलता है फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस अपने जन्म स्थान से। आफ्टर फुलफिलमेंट पूरा करने के बाद वंडरिंग अपने भ्रमण को पूरा करने के बाद रेग्ड आर अनरेग्ड चाहे कोई ध्यान दे या ना दे डली उचित समय पर विथ लव पूरे प्रेम के साथ रिटर्न लौट जाती है। यानी जैसे संगीत होता है ठीक है अपने वो निकलता है और सबको खुश करके फिर कलाकार के पास पहुंच जाते हैं वैसे वर्षा होती है पुनः भाव बनकर ऊपर चली जाती है चाहे कोई इस पर ध्यान दे चाहे ना दे अपने उचित समय पर पूरे प्रेम के साथ वह वापस चली जाती है। धन्यवाद मित्रों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।